देख रहे हैं एरिया न्यूज। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 यानी केजीएफ 2 को देखने के बाद सबसे पहले वह बात जो सभी लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं, क्या केजीएफ 3 भी बनेगी? तो इसका जवाब हाँ में है। फिल्म बनाने वालों ने फिल्म के अगले अध्याय का सूत्र फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखा दिया है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 एक विशाल कैनवस के लिए सोची गई कहानी है। आईमैक्स पर इसे देखने का आनंद ही कुछ और है। हाँ, बशर्ते सिनेमा घर का ऑडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो। सिनेमा दृश्य श्रव्य माध्यम है। अंग्रेजी में ऑडियो विजुअल जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है उसका संतुलन फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में कमाल साधा गया है। पर्दे पर कुछ नहीं दिख रहा हो और आवाज आ रही हो तो भी दर्शक समझ जाता है कि आखिर क्या चल रहा है। ये फिल्म सिनेमा में एंग्री यंग मैन का वजूद भी तलाशती है और जिस तरह यश के पर्दे पर पहले प्रवेश पर सिनेमा हॉल में दर्शकों की सीटियां, तालियां और शब्दावलियां गूंजती हैं, उनसे लगता ही है कि सिनेमा असल में यही है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी कोलार गोल्ड फील्ड पर कब्जे की कहानी में पिछली फिल्म में ही तब्दील हो चुकी थी। मुंबई से निकला रॉकी अब दुनिया पर राज करना चाहता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रतीक्षा कक्ष में वह अपना परिचय देश के सीईओ के रूप में देता है। सोने के अवैध कारोबार की देश विदेश से कड़ियां जोड़ती है फिल्म देश की वित्त व्यवस्था की उस कमजोर कड़ी पर भी चोट करती है जिसमें गुमनाम लोगों के बैंक खाते खोलकर लोग रातों रात अरबपति बन गए। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी सुनाने के लिए इस बार आनंद नहीं है, कहानी उनका बेटा विजेंद्र सुना रहा है। कहानी के किरदार जाने पहचाने हैं। फिल्म अपनी पूर्ववर्ती फिल्म आरआरआर की तरह दिल्ली तक चढ़कर आती है। दक्षिण में बन रहे सिनेमा की कहानी को उत्तर तक लाने की जो शुरुआत मरितत्तम ने फिल्म रोजा में की थी, उस परंपरा की बाहक अब आरआरआर और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी मेगा बजट फिल्में बन रही है। आपको बता दें कि निर्देशक प्रशांत नील की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर हिंदी भाषी दर्शकों में आरआरआर से बेहतर उत्साह है। फिल्म भी ये आरआरआर से बेहतर बन पड़ी है। हालांकि आरआरआर और फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 दोनों ही कम से कम एक कमजोर कड़ी समान है और वह है इनका जरूरत से ज्यादा लंबा खिंचता क्लाइमेक्स। केजीएफ 2 को हिंदी में लिखने वाली टीम ने कमाल का काम किया है। इसके सम्मान आपको आखिर तक याद रह जाते हैं, जैसे यहाँ सिर शासक नहीं है सिर्फ ताज शासक है, या फिर हिम्मत के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक पागलपन और दूसरा ईमानदारी। पागलपन हम यहाँ रोज देखते हैं, ये देखो ईमानदारी। फिल्म में एक जगह रॉकी ये भी कहता है कि ये माँ की जिद की कहानी है। लेखक और निर्देशक प्रशांत नील के जुनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावट के सारे फॉर्मूले हैं। ध्यान से देखेंगे तो यश के हाव भाव, उनके पहनावे, उनकी अकड़ और उनके रुआब में आपको कभी दीवार, कभी शोले तो कभी सुहाग के अमिताभ बच्चन का नजर आएगा। आज की खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज। धन्यवाद।